सत श्री अकाल जी, तुसी वेख रहे हो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते मैं हां तुहाडे नाल अनुबीर बुलेटिन दा आगाज करांगे। जलंधर नाल जुड़ी इस खबर दे नाल, जलंधर दे विच नौजवानां ने हवाई फायर कीते जिसदी तस्वीरां भी वायरल हो रही। दरअसल ये नौजवान जो ने मेला वेख के परत रहे सन जिथों कि उन्होंने वालों जिहड़े आ हवाई फायर किए गए, ते जो वायरल तस्वीरां ने सोशल मीडिया ते तेजी नाल फैल रही ने। फिलहाल इस मामला दे विच मुलजम जिहड़ा एक गिरफ्तार कर लिया गया है, सूत्रां दे हवाले तो खबर है। तां खबर जो है जलंधर तो सामने आ रही है जिथे कि नौजवान दे वल्लों हवाई फायर कीती गई जिसदी वीडियो जो है सोशल मीडिया ते खासी वायरल हो रही है। ये नौजवान जो सन मेला वेख के परत रहे सन, इन्हां दे वल्लों हवाई फायर कीते गए। जलंधर दी घटना दसी जा रही है। फिलहाल पुलिस ने एक मुलजम नूं गिरफ्तार कर लिया है। इस सूत्रां दे हवाले तो खबर है कि एक मुलजम की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसे खबर से होर जानकारी लई साडे नाल साडे सहयोगी सुनील जुड़ गए ने। सुनील, एक वीडियो सोशल मीडिया से खासी वायरल हो रही है, की है पूरा मामला? मामला है कि जलंधर के सोडल मंदिर के कोल एक दरगाह है बाबे पीर की, जिथों की कोई मेला है। मेले नूं देखते होया यह लड़के कुछ जिहड़े सीगे कि उत्थों वापसी कहिंदे ने मत्था टेके के आ रहे सी, और रस्ते दे विच फोटो खिचाण दे बहाने एक लड़के ने विचों जिसका नाम रितिक दस्सिया जा रहा है, उसने अपने जिहड़ा रिवॉल्वर कढ के उसकी फायरिंग की गई, जिस दे नाल इलाके च काफी दहशत फैली। और सूत्रों के हवाले तो इस हज तक यही खबर है, क्योंकि पुलिस ने अजे तक कोई पुष्टि नहीं की है कि एक जैसा फायरिंग करने वाला शख्स है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अजे तक उन्होंने क्लियर इस गल तो नहीं किया है जी। सुनील, नौजवान कितों नौजवान बिलोंग करते सर? यह जलंधर के ही सोडल मंदिर के कोल के ही इलाकों के ही सारे रहने वाले ने, यह उतों ही आ रहे थे और अपनी एक दहशत को फैलाने वास्ते इन्होंने रस्ते के खड़े होकर फोटो खिंचते बहाने एक हवाई फायरिंग की, जिहड़ा कि रहायशी इलाका है। गनीमत यह रही कि यह जो फायरिंग की गई उसके नाल किसी प्रकार का कोई भी आदमी कोई जख्मी या किसी गोली नहीं लगी है, लेकिन कोई भी एक बड़ा हादसा हो सकता सी जी। नीले घटना कितने बजे वापरी? यह देर रात का मामला दसिया जा रहा, करीब 11:30-12 बजे का, जो कि लोग उतो अपने मेले तो वापस आ रहे थे जी। जी शुक्रिया सुनील, साढ़े नाल जानकारी साझा करने लई। तां जलंधर दे विच नौजवान ने हवाई फायर किए जिसकी वीडियो सोशल मीडिया से खूब वायरल हो रही है, जिससे हुण पुलिस दे वल्लों कार्रवाई करने की गल भी आखी गई है। ते हुण गल करांगे चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ मसले नूं लैके विवाद लगातार भखदा जा रहा है। एक पास जिथे कि विशेष इजलास सद के पंजाब सरकार ने केंद्रीय सर्विस रूल विरुद्ध दा मता पास किया है, तां उत्थे ही हुण चंडीगढ़ नूं लैके हरियाणा एकजुट नजर आ रहा है। हुण हरियाणा सरकार ने 5 अप्रैल नूं एक विशेष इजलास सद्या है। हरियाणा दा कहना है कि चंडीगढ़ नूं लैके जेकर राष्ट्रपति तक भी पहुंच करनी पई तां उह करनगे। इस तों पहलां 1 अप्रैल नूं होए पंजाब विधानसभा दे विशेष इजलास दे दौरान पंजाब विधानसभा दे विच पंजाब दे हक नूं मजबूत करदा एक मता पास किया गया सी, जिस तों बाद हरियाणा बनाम पंजाब लीडरशिप दरमियान शब्द की जंग तिखी हो गई है। चंडीगढ़ ते पानियां दे मसले नूं लैके पंजाब अते हरियाणा आमो सामने ने। हरियाणा दे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वड्डा बयान दिंदिया कहा है कि चंडीगढ़ अते पानी दे मसले ते ओह पंजाब दा सख्ती नाल मुकाबला करनगे। इस नाल ही मनोहर लाल ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी किसी होर दे इशारियां ते विवादित मुद्दियां नूं चुक रही है, तां पंजाब दी आम आदमी पार्टी दी सरकार ने इस उपर सख्त स्टैंड भी लिया है। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੱਥ 'ਚ ਇੰਨੇ ਠੂਠੇ ਫੜਾਤੇ, ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। मंत्रिमंडल वो बनाया एक दिन का सेशन, क्या कुछ रहने वाला है? पूरे हरियाणा की जनता जब तक साथ है, जब तक हमारी मजबूती, हम बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, कहीं कोई कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी थी, है और रहेगी। सो चंडीगढ़ के मुद्दे ते पंजाब अते हरियाणा आमो सामने आ गए ने। केंद्र दे वल्लों चंडीगढ़ बारे लए ताजा फैसले ने चंडीगढ़ दे विवादित महारवे मुद्दे नूं हवा दित्ती है। दोहे पासे तिखी बयानबाजियां दा दौर लगातार जारी है। चंडीगढ़ लै पंजाब ते हरियाणा दोवे सूबे कई अहम मुद्दे नूं लै आमो सामने हुंदे नजर आ रहे।
एक बार फिर तो चंडीगढ़ के हक नू लै पो अपने विधानसभा विच मते पास कर रहे ने। बीते दिन पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान विशेष इजलास सद मता पास कर चुके ने ते केंद्र सरकार दे वल्लों चंडीगढ़ ते केंद्र दे सर्विस रूल लगाउण दे फैसले विरुद्ध पंजाब दी आवाज बुलंद कर चुके ने। पहला भी ये सदन ने चंडीगढ़ पंजाब नू देण लई केंद्रीय सरकार पास बेनती करदे होए बहुत सारे मते पास किए ने। एक सुरता बनाए रखण लई अते लोकां दी भावना नू ध्यान च रखते हुए ये सदन एक बार फिर चंडीगढ़ पंजाब नू तुरंत देण लई केंद्रीय सरकार कोल मामला उठाउण लई राज सरकार नू सिफारिश करदा है। ये सदन साढ़े संविधान विच दर्ज संघवाद के सिद्धांतों नू सत्कार देण लई राज सरकारां सरकार नू सिफारिश करदा है कि केंद्रीय सरकार नू बेनती करे वो अजिहा कोई भी कदम न चुके जिस नाल चंडीगढ़ प्रशासन BBMB वर्गियां होर सांझियां संपत्तियां दे संतुलन दे विच बिघन पवे। पंजाब मुख्यमंत्री दे इस फैसले ने हरियाणा तक दी सियासत विच उबाल लिया दिता है। वख-वख पार्टियां वल्लों खट्टर सरकार ते दबाव बनन लगा कि वह भी हरियाणा विधानसभा विच विशेष इजलास सद्दन, जिस तों बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 5 अप्रैल नूं विशेष इजलास सद्दिया। कहीं नहीं जाने देंगे। आपके हाथ में सर मंत्रिमंडल वो बनाया एक दिन का सेशन तक क्या कुछ रहने वाला है? पूरे हरियाणा की जनता जब तक साथ है जब तक हमारी मजबूती हम बताते रहेंगे दिखाते रहेंगे। कहीं कोई कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी थी है और रहेगी। होना ही नहीं चाहिए क्योंकि चंडीगढ़ एज इट इज ही उदों पंजाब का कैपिटल के तौर पर बनाया गया और पंजाब साडी पार्टी BJP का बिल्कुल स्टैंड इस ते क्लीयर है भी चंडीगढ़ अल्टीमेटली इज गोइंग टू बी द कैपिटल ऑफ पंजाब। समझना भी साडी सेंटर दी सरकार BJP सरकार साडे इस दे उते इस चीज़ का जिहड़ा हैगा इहनू छेती तो छेती रिजोल्व करना चाहिए। पंजाब का मसला केवल चंडीगढ़ का मसला नहीं, इसके साथ और बहुत अन्य मसले जुड़े हुए। मसले बहुत हैं लेकिन पता नहीं क्यों किस कारण से पंजाब सरकार ने ये प्रस्ताव पारित किया कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाए। हरियाणा के साबका मुख्यमंत्री ने भी चंडीगढ़ के हक नू लै आम आदमी पार्टी नू निशाने ते लिया। एक पासे पंजाब विधानसभा के विशेष इजलास दौरान चंडीगढ़ विच केंद्रीय नियमों नू लागू करन विरुद्ध मता पास होया। इस मुद्दे नू लै आम आदमी पार्टी के स्टैंड ते हरियाणा एकजुट हो गया। सत्ता धिर BJP पंजाब सरकार नू निशाने ते लै रही है। उत्थे ही पंजाब विच भी भाजपा नू छड्ड सारी सियासी धिरां एकजुट ने। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। चंडीगढ़ के मसले से हरियाणा और पंजाब दे विच दावेदारी की सियासत पकी हुई है पर 6 दहाकों तो गरमाते आ रहे इस मसले के इतिहास नूं भी समझण दी लोड़ है। एक नज़र विवाद की वजह बने इस सोहने शहर के इतिहास उपर मारते हैं। आम आदमी पार्टी की अगवाई वाली पंजाब सरकार ने विधानसभा विच सर्वसंपत्ति नाल मता पास करके चंडीगढ़ ते अपना दावा जताया। ये अपनी किस्म दा 7वां मता सी। पहला मता 1967 विच लियांदा गया सी। आप सरकार ने दलील दित्ती कि किसी भी मूल राज विचों एक नवा राज बनाउण दे मामले विच राजधानी मूल शहर दे नाल ही रहेगी। चंडीगढ़ तो पहला चढ़दे पंजाब दी अस्थाई राजधानी शिमला सी पर मरहूम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नहरू राजधानी वजो एक आधुनिक शहर चाहते सन। इस तरह चंडीगढ़ का विचार होंद विच आया। पंजाब सरकार ने केंद्र नाल सलाह मशवरा करके शिवालिक दियां खूबसूरत पहाड़ियां नूं पंजाब दी नवी राजधानी बनाउण दा फैसला किया। 1953 विच चंडीगढ़ पंजाब दी अधिकारित राजधानी बन गया। उस समय दे राष्ट्रपति रजिंदर प्रसाद द्वारा उद्घाटन भी किया गया। हरियाणा 1966 दे पंजाब पुनर्गठन एक्ट राही होंद विच आया। हरियाणा भाषाई आधार ते पैदा होया तां इस दे नाल ही दोवां सूबियां विच चंडीगढ़ दा विवाद भी जन्म लै गया। एक्ट राही केंद्र ने नवा केंद्र शासित प्रदेश बना के चंडीगढ़ ते सीधा कंट्रोल कर लिया। पंजाब दे पहाड़ी इलाके केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश नू तब्दील कर दिते। तकनीकी तौर ते पंजाब दी राजधानी विकास ते रेगुलेशन एक्ट 1952 चंडीगढ़ नू पंजाब दी राजधानी वजों तजवीद करता है। राज पुनर्गठन एक्ट 1966 दे आउण तों बाद भी 1952 दे एक्ट दीआं व्यवस्थावां नू नहीं बदला गया सी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऐलान किया सी कि हरियाणा नू अपनी राजधानी मिलेगी ते चंडीगढ़ पंजाब नू दे दिता जाएगा। गांधी नू फैसला उदों लेना पिया जदों पंजाबी सूबा लहर दे कागू फतेह सिंह ने चंडीगढ़ पंजाब नू तब्दील ना करन दी धमकी दित्ती।
चंडीगढ़ की वंड नू केंद्र ने भी विचारिया सी, पर बाद विच इसका विरोध किया गया। हरियाणा नू अपनी राजधानी होने तक 5 सालां लई चंडीगढ़ विच दफ्तर ते रिहायशी रिहायश दित्ती गई सी। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਵਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 1985 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਰਾਜੀਵ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵੁਕ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁੜ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠੇਗੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੁਣ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਓਪੀ ਸੋਨੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਧੂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਖਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਨਾਮ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਮ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਗੂ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਬੇਕਰਾਰੀ ਨੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੱਦੀ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿੱਧੂ ਫੀਲਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਿਕਸਰ ਮਾਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਲੀਨ ਬੋਲਡ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀ ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ? ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਜਾਤੀਗਤ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਜੋੜ ਤੋੜ ਵੇਖੇਗੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼? ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਧੂ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਦੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੌਧਰ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬਨਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਨਾਮ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਤੇਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
अते दुध का भाव हुण 55 रुपए की बजाय 60 रुपए प्रति लीटर हो गया। दुध का रेट वधाए जाण बारे जानकारी दिंदिआं यूनियन के आगुआं ने कहा कि लगातार वध रहीआं रसोई गैस अते तेल दीआं कीमतां दे कारण हुण मझां गावां नूं पाया जाण वाला चारा फीड अते तूड़ी भी काफ़ी महंगी हो चुकी है, जिस कारण दोधी यूनियन वल्लों दुध के रेट दे विच वाधा कीता गया। जिहड़ा जी 5 रुपये साडी दोधी डेयरी यूनियन मानसा वल्लों रेट विच वाधा कीता गया गा। और रसोई गैस दीआं कीमतां लगातार वध रहीआं ने, पेट्रोल डीजल दीआं कीमतां वध रहीआं ने, खलां अते फीडां दे रेट इकदम ज़्यादा होण कारण जिहड़े दुध उत्पादक ने उन्हां दा दुध गुजारा करना उन्हों का औखा हो गया। फुल जो पशुओं वरती जाती है चीज़ सारी महंगी हो चुकी है, वो कारण 5 रुपये वाधा करने वाला कुछ सोच के वाधा किया गा भी थोड़ा बहुत ये भी चलन गए जो खरीददार ने गे सेल होंगी जिन्हों, तो जो पैदा करने वाला गा कुछ ना कुछ उन्होंने सभ्यता लग जूगा जी। दुध के रेट कुछ 20 पैसे प्रति फैंट के हिसाब से सरकार ने बधाए है, जो कि अगे तक कस्टमर दे कोले पहुँचते हो 5 रुपए प्रति किलो दुधी यूनियन ने कहा। उन्होंने गल कुछ हद तक जायज़ है भी जोड़ा दुध है वह 5 रुपए खपतकार के उत्ते जोड़ा बोझ पेगा वह सेंटर सरकार दियाब सरकार दियाँ जीतियाँ है वो तहत जोड़ा खपतकारा के उत्ते बोझ है वह गलत है, तो